जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यूवी सैनिटाइजर है, मैंने खुद से बनाया है। और इसमें आप मास्क वगैरह मात्र 30 सेकंड के लिए आप छोड़ दें, फोन छोड़ दें, तो ये सैनिटाइज कर देता है। ये डिवाइस कैसे बनाना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और पहले ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को मैं एक डाई प्रोजेक्ट के रूप में बनाया है। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूं तभी आप ये डिवाइस जो है बनाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है इमिट करता है, और बड़ा इजी वे में मैंने इसको बनाया। मैं यहां पर आपको मास्क जो है इसको सैनिटाइज करके दिखा रहा हूं। इसको जब यूज करना है तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि इसको हमेशा बंद रहने के बाद ही चालू करना है। मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और इसके अंदर 30 सेकंड मास्क मैं छोड़ दूंगा और मेरा मास्क जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा। कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स जो है कुछ भी नहीं बचेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये जो है मास्क फुल्ली सैनिटाइज हो जाता है। इसी तरह से हम अपने फोन को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि फोन को मैंने रखा, नीचे से भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है फोन की नीचे की लेयर पे आपको दिखेंगे, यहां पे पड़ती हुई, और जब बॉक्स हम बंद कर देते तो ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होकर रेज जो है ये पूरे फोन को चारों तरफ से सैनिटाइज कर देती है। तो ये फोन भी हमारा 30 सेकंड के अंदर फुल्ली सैनिटाइज हो जाएगा। हालांकि यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये काफी खतरनाक होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट होता है जिसकी वेवलेंथ जो है 265 से 275 नैनोमीटर की होती है। तो यहां पे इस डिवाइस का जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपडेटेड वीडियो ना अपलोड कर दूं तब तक आप ये डिवाइस मत बनाए। चलिए अब देखते हैं कि इसको बनाया कैसे था। मैंने एक बॉक्स लिया था, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये बॉक्स था हमारे पास। इसमें इन्वर्टर की किट आई थी, तो इस बॉक्स को थोड़ा सा लुक अच्छा करने के लिए मैंने इसमें स्प्रे पेंट जो है इसका इस्तेमाल किया है। मैंने इसको स्प्रे पेंट की सहायता से पूरा चारों तरफ से आप देख पाएंगे मैंने इस तरह से स्प्रे किया था, और ये थोड़ा सा लुक में अच्छा हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आप देख पा रहे हैं पहले मैंने एक लेयर जो है ये स्प्रे की थी, फिर मैंने इसके ऊपर कुछ देर बाद दूसरी लेयर भी स्प्रे की है, उसके बाद ये अच्छा लुक में दिखने काबिल हो गया था। तो यहां पर बात कर लेते कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये काफी हार्मफुल होती है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ रूप से दिक्कत दे और कुछ रूप से लाभदायक भी हो सकती है, तो यूज पे डिपेंड है। वैसे अल्ट्रावायलेट रेज के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए, और आप तो जानते ही होंगे कि जो हमारा वेल्डिंग मशीन आर्क वेल्डिंग मशीन होता है उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज इमिट होती है, तभी अगर आप उसको डायरेक्ट देख लेते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी आंखों में। तो हमेशा उसको पॉलीकार्बोनेट से बने हुए जो गॉगल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके आपको वेल्डिंग करनी चाहिए, और इसीलिए वो हानिकारक है क्योंकि उसमें से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इमिट होता है। यहां पे मैं बॉक्स में अच्छे से स्प्रे पेंट से मैंने इसको अच्छा लुक बनाने के लिए ये किया था। और इस समय चूंकि इंडिया में लॉकडाउन है तो बॉक्स जो है प्लास्टिक के बॉक्स भी आते हैं तो वो हम मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि अभी मार्केट बंद है तो मैंने इसी तरीके से जो है बॉक्स जो है उसको बनाया था। अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें स्प्रे पेंट किया है। मैं अभी आपको डिटेल में पहले कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अल्ट्रावायलेट का जो सी टाइप रेडिएशन है ये भी बहुत पावरफुल होता है, ये डीएनए को तोड़ देता है, इससे कई तरह के नुकसान होते हैं, और इसलिए इसको मैं बिल्कुल भी अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके का जो है प्रोजेक्ट आप बनाएं। इसका जब मैं नेक्स्ट वर्जन जो है वीडियो का अपलोड करूंगा उसके बाद ही आप इसको बनाने का प्रयास करना। तो यहां पर मैंने ये बॉक्स जो है इसको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसमें जो सारा इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो आप यहां पे देख पाएंगे बॉक्स काफी अच्छे लुक में हो गया है, और अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जो पार्ट्स हैं इसके वो इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मैं केबल ये जो है इसको इंस्टॉल करने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं ये एक पुराने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की मैंने केबल ली है, और इसको मैंने यहां से कट किया है। आप देख पाएंगे यहां से मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि इसको हम अंदर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद लॉक कर देंगे फेविक्विक लगा के। तो आप यहां पे देख पाएंगे कि मैंने ये होल किया है, होल से मैंने ये केबल जो है अंदर कर दी है, और मैं इसी तरीके से अंदर जो है ये जो मैंने कट किया था इस केबल का पार्ट, इसको मैं वायर जो है इसके अंदर से निकाल के और केबल में लगा के इसके बाद फेविक्विक का इस्तेमाल करके इसको फिक्स कर दूंगा, जिससे कि ये केबल जो है निकलने का जो चांस है वो नहीं रहेगा। आप देख पा रहे हैं मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट मैंने वैसे मन नहीं था मेरा बनाने का, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं क्योंकि आप ये बिल्कुल भी मत करिए, अभी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां पे फेविक्विक जो है फेविक्विक का इस्तेमाल करके मैं इसको फिक्स कर देता हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आप इंजॉय करिए, इस तरीके का भी बनाने का प्रयास मत करना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं मैंने केबल जो है फिक्स कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में मैं पुरानी जो सीएफएल होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये केबल बिल्कुल फिक्स हो गई है, पुरानी सीएफएल का अंदर का सर्किट जो कि सही होना चाहिए, आपको ध्यान देना कि ये सर्किट बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में चार वायर्स जाते हैं, वही दो दो वायर के जो पेयर है मैंने इसमें लंबे वायर जो है कनेक्ट कर लिए, जोड़ लिए, सोल्डिंग कर दी है। अब इसके बाद इसके एसी पॉइंट जो है
आप देख पा रहे हैं एसी पॉइंट जो है, इनमें हम ये वायर्स जो है कनेक्ट करेंगे। तो यहां पे इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि मैं सर्किट को इस इनपुट केबल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे कनेक्शन करने के बाद आगे क्या प्रोसेस करना है ये आप देख पाएंगे। मैंने बहुत ही इसको मैंने सेफ्टी पर्पज से काफी हद तक अच्छा बनाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी मैं इसका अपडेट वर्जन बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने एसी इनपुट के पॉइंट्स जो हैं उनको कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सोल्डरिंग जो है कर दी है, सर्किट जो है उसमें सप्लाई दे दी है मेंस की केबल वाली। अब इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो ये जो है सर्किट हमारा अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा और इसको हम जो अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक के बॉक्स के ऊपर का कवर जो है, ट्रांसपेरेंट कवर था प्लास्टिक का, उस पे मैंने जो हमारी फोम आती है उसको इस तरीके से एडजस्ट करके बनाया है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमें पूरा जो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस डिवाइस का उसको इंस्टॉल करना है। ये मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रेडिएशन जो है नीचे ऊपर चारों तरफ से जाना चाहिए, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से हर तरफ से रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो जाने देगा। वैसे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते तो वो कुछ पार्ट्स में उसके रेडिएशन जो है नहीं पड़ता। तो यहां पे इस तरह से हमने ये एक इसका ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हमने बनाया है। इसमें फोम्स जो है उसको मैंने फेविक्विक से इसमें लगाया है प्लास्टिक में और बिल्कुल साइज का कट किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये काफी डेंजरस चीज है, आपको इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और किस तरीके से करना है इसका जब मैं प्रॉपर वीडियो जब बना दूंगा तभी आप इसको करना है। इसमें अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन इमिट होता है और ये फिलिप्स की आरओ के अंदर इस्तेमाल होने वाली ट्यूबलाइट है। और इसमें आप देख पाएंगे कि ये हमारे प्रोटेक्ट आईज एंड स्किन, इससे हमें आंखों और स्किन को अपने बचाना है। इसका रेडिएशन हमारी आंखों और स्किन में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो लैंप है ये मर्करी वेपर लैंप है और ये 254 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है उसको इमिट करता है। अल्ट्रावायलेट एलईडी भी आती है हमारी जो कि मर्करी फ्री एलईडी होती है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मैं शायद अपने अपडेटेड वीडियो में उन्हीं का इस्तेमाल करूं। तो यहां पे इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्यूबलाइट हमने नीचे बिल्कुल फिक्स कर लिए कॉर्नर वाइज। और अब हम ये जो ऊपर का प्लास्टिक का मैंने ये बनाया था इसको मैंने एक पुराने बॉक्स से कट किया था, आप देख पा रहे हैं इससे मैंने कट करके और ये जो है ऊपर का बनाया है पार्ट। अब हम इसको फिक्स कर देंगे। आप देख पाएंगे इसको बिल्कुल मैंने साइज का कट किया था और इसको मैं एडजस्ट करने वाला हूं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसको प्रॉपरली हमें ऊपर से एडजस्ट करना है इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि रेडिएशन हमारा नीचे से भी इमिट होगा और जो रेडिएशन ऊपर जाएगा वो ऊपर से रिफ्लेक्ट होके भी नीचे ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो इसीलिए ये बॉक्स बंद करके ही यूज करना। वैसे भी आपको रेडिएशन जो है डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना और ना ही अपनी त्वचा पे इसका रेडिएशन पड़ने देना है। तो यहां पे मैं इसको चालू करके दिखाता हूं और आप देख पाएंगे कि ये इस तरीके से ब्लू लाइट जो है इमिट करता है और ये बहुत ही डेंजरस है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। तो इसको आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है कि आप मेरी तरह से बना के और आप इस्तेमाल करने लगे। मैं इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल जो है गलत तरीके से नहीं करूंगा और सावधानी रखूंगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं फोन को हम इसमें रख के और जब चालू करेंगे तो नीचे की जो फोन की लेयर है उसमें और ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर फोन को चारों तरफ से ये सैनिटाइज कर देगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं फोन मैंने अंदर रखा और इसको जब हम चालू करेंगे तो इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है निकलने लगेगा। तो इसको चालू करने से पहले ही हमको बॉक्स जो है बंद कर देना है। आप देख पा रहे हैं ये मैंने बॉक्स बंद कर दिया। यहां पे थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, इसको गैप को भी आपको प्रॉपरली बंद करना है। ये जो गैप आप देख पा रहे हैं इसको भी हमें प्रॉपरली बंद करना है, कहीं भी रेडिएशन जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। और ये जो है अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर बहुत ही अच्छी चीज है अगर इसको प्रॉपर वे में बनाया जाए। ये एक डाई प्रोजेक्ट है, मैंने डाई प्रोजेक्ट बनाया है। प्रॉपर वे में इसको कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और इसमें एक मोमेंट्री स्विच अगर हम ऊपर लगा दें कि बॉक्स हमारा बंद होने पे ये जो है तभी चालू हो और बॉक्स खोलें तो ये बंद हो जाए, ऐसा कुछ जो है अपडेटेड वर्जन में मैं करूंगा। और हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट एलईडीज का इस्तेमाल करूं, तो आप लोग इस चीज के विषय में गूगल पे सर्च कर लीजिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कितना खतरनाक है। यहां पे अब मैं अपना मास्क जो है मास्क को भी सैनिटाइज कर देता हूं। आप देख पाएंगे इसको मास्क को मैंने इसके अंदर रखा और इसके बाद हम इसको चालू कर देंगे तो मास्क जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद मैं मास्क जो है इसको बाहर करूंगा तो ये फुल्ली सैनिटाइज होके मास्क हमको मिलेगा, तो जिसको हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। मास्क को बार बार धोने से मास्क खराब हो जाता है और इसलिए अगर इस तरह
का हमारे पास सैनिटाइजर है तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और ये डाई प्रोजेक्ट है तो मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसको आप बनाने का प्रयास ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।